सुप्रभात प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? क्या कर रहे हैं? पढ़ने के लिए रेडी हैं? निकालिए अपनी नोटबुक, पेंसिल, इरेजर। आपका क्लास कौन सा है? नर्सरी, विषय हिंदी पढ़ना है आपको। चलिए, तो नोटबुक निकल गया। पिछले क्लास में आप लोगों ने श्र वर्ण के बारे में पढ़ा, आज र वर्ण के बारे में पढ़ना है। तो आइए देखते हैं र कैसे और किसे बोलते हैं। पहले ये जो है, देखिए ये क्या है, इसे आप पढ़ेंगे ड, ठीक है। लेकिन इसके नीचे जो ये अनुस्वार बिंदु लग जाता है तो ये कहा जाता है र, ठीक है। इस पर जो य और र है ना, य के बाद जो र आता है इसे हम आसानी से बोल लेते हैं र, य, र। लेकिन ये जो र है इसे कभी कभी आप बच्चे, मतलब हम लोग भी बड़ी र बोलते हैं, ठीक है। लेकिन हम बड़ी र न बोल करके सीधा र बोलेंगे। ये जो य के बाद जो र आता है उस र से थोड़ा ज़्यादा इस पर जोर डालेंगे, फिर बोलेंगे र, ठीक है, ऐसे बोलना है। तो र वर्ण को पहचान कर र वर्ण को पहचान कर गोला लगाएं। ठीक है, इस तरह से हम अब लिखेंगे। पहले र लिखते हैं, नहीं य से ही लिखते हैं क्योंकि श्र के बाद र आता है, तो य र, ठीक है। ल व श श स ह श त्र ज्ञ श्र और ड। देखिए श्र के बाद क्या आया, ड। इसे बोलना है, हमेशा ध्यान रखना है, थोड़ा जोर डालना है इस पर, ड, ओके। फिर ड के बाद होता है ढ, अ, ड, आ, ड, ह्रस्व इ, ड, दीर्घ इ, ड, ह्रस्व उ, र, दीर्घ उ, ड। ये र की तरह जो होता है ना, कई वर्ण होते हैं। जैसे फिर मैं बता दूं, ये ड है, ये भी ड है और ये भी ड है। फिर और भी, सॉरी, ड है, ये भी ड है। देखिए ये सारे वर्ण जो है क्या है, एक ही जैसे हैं, यानी कि ड, लेकिन इसमें थोड़ा थोड़ा अंतर है जिसके कारण ये अलग अलग नाम से अलग अलग वर्ण होते हैं। जैसे कि ये हो गया ड, तो ये सारे वर्ण ड की तरह ही लिखाएगा, लेकिन इस पर थोड़ा सा बदलाव हो जाएगा। अब ये नीचे जो लगा दिए अनुस्वार, ये हो गया ड, इसके बगल में लगा दिए बिंदु, अनुस्वार बोलिए, बिंदु बोलिए, तो ये अंग हो गया, क, ख, ग, घ के बाद जो होता है अंग। फिर ये जो है, ये भी आप देखिएगा तो ड की आकार का ही, जैसे ड लिखा हुआ है वैसे ही है बिल्कुल, लेकिन इसको हम इस तरह से कर देंगे तो ये क्या हो गया, ह्रस्व ई हो गया। और फिर इसी को फिर ऐसे करके ऊपर में रेफ दे देते हैं तो ये दीर्घ ई हो गया। इस तरह से ड जो है
वो कई तरह से लिखा जाता है, लेकिन हम इसको ड नहीं पढ़ेंगे, अलग अलग इसका नाम है, अलग अलग वर्ण है। तो आप इसे एक जैसा ही मत समझिएगा और एक जैसा ही मत पढ़िएगा। ओके बच्चों, आपको समझ में आया? ड र अंग हरश्व ई दीर्घ ई। लेकिन ये सब लिखा हुआ कैसे है? पहले ड लिखा हुआ है, उसके बाद ही इसमें बदलाव आया है। समझ गए? चलिए दीर्घ ऊ है, इसके बाद होगा री, फिर ड ए ड ए ड ओ ड ओ र अंग र आ। ठीक है, फिर देखिए र क र ख र ग ड घ ड अंग ड च और ड। ठीक है, अब हम इसे पहचानेंगे बोल बोल करके। तो आप मेरे साथ बोलिएगा और सही से इसका उच्चारण कीजिएगा। ड कैसे बोलना है? ड, इस पर थोड़ा जोर डालना है। चलिए, तो हम ड वर्ण के बारे में पढ़ रहे हैं। य र, देखिए इस र को हम कितनी आसानी से बोलते हैं, आराम से, इसमें कोई जोर नहीं लगता है बोलने में। य र ल व श श स ह क्ष त्र ज्ञ श और र। क्या है र? इस पर क्या करेंगे हम? गोला लगाएंगे। फिर आगे देखिए, ड के बाद होता है ढ ढ अ ड आ ड हरस्व ई ड दीर्घ ई ड हरस्व उ ड दीर्घ उ ड। फिर आगे देखिए तीसरी लाइन में री ड ए ड ए ड ओ ड ओ ड अंग ड अ। फिर चौथे लाइन में देखिए ड क ड ख ड ग ड घ ड अंग ड च ड। समझ गए? तो एक बार तो हमने इस पर गोला लगा लिया इसे पहचान करके, फिर दूसरी बार लगाते हैं। तो देखिए और अपनी नोटबुक में मिला भी लीजिएगा सही सही आपने गोला लगाया या नहीं। फिर से पढ़िए मेरे साथ। य र ल व श श स
ह्र ड़ गोला लगाइए। लगा लिए, चलिए फिर आगे देखिए। फिर आ, क्या है ये, आ ड़ा। ह्रस्व ई ड़ा, दीर्घ ई ड़ा, ह्रस्व उ ड़ा, दीर्घ उ ड़ा। फिर आगे है ड़ी ड़ा, ए ड़ा, ए ड़ा, ओ ड़ा, औ ड़ा, अंग ड़ा, आ। फिर सबसे नीचे लाइन में देखिए बच्चों, ड़ा क्या है, ड़ा क ड़ा, ख ड़ा, ग ड़ा, घ ड़ा, अंग ड़ा, च ड़ा। तो आपने दूसरी बार भी इस पर गोला लगा लिया। फिर से एक बार पढ़ लेते हैं इसे मेरे साथ, ध्यान से पढ़िए। य र ल व श श स ह छ त्र ज्ञ श्र ड़। ठीक है, फिर आइए ढ आ ड़ आ ड़ ह्रस्व ई ड़ दीर्घ ई ड़ ह्रस्व उ ड़ दीर्घ उ ड़। फिर है री ड़ ए ड़ ए ड़ ओ ड़ औ ड़ अंग ड़ आ। फिर आगे देखिए ड क ड ख ड ग ड घ ड अंग ड च और ड। आप लोगों ने इसे अच्छे से सीखा। अब इसकी गिनती करते हैं हम। यहाँ एक दो तीन चार पाँच छ सात
आठ, नौ, दस, ग्यारह, बारह, तेरह, फिर है चौदह, पंद्रह, सोलह, सत्रह, अठारह, उन्नीस और बीस। तो कितनी बार आप लोगों ने इसे सीखा और इस पर गोला लगाया, पहचाना? 20 बार, ठीक है ना। तो इस तरह से आप लोगों ने ड वर्ण के बारे में पढ़ा, जाना, पहचाना और उस पर गोला लगाया। चलिए, तो इसका अभ्यास आप घर पे कीजिएगा और खासकर बोलने के साथ जोर थोड़ा डालना है इस पर। ड बोलना है और इसे लिखना है, समझना है, ठीक है ना। फिर हम मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक आप लोग मन से पढ़ते रहिए। बाय प्यारे बच्चों।